तो है नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एट मिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। दोस्तों मुझे बहुत सारे ऐसे डेली कमेंट्स आते हैं कि सर जो स्ट्रीट डॉग के ऊपर आप वीडियो बनाओ, उनका कैसा डाइट प्लान होना चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें बात करने वाला स्ट्रीट डॉग के डाइट प्लान की, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो कैसा होना चाहिए स्ट्रीट डॉग, क्योंकि मोस्ट ऑफली इंडिया में जो है सभी लोगों के पास स्ट्रीट डॉग होते हैं और स्ट्रीट डॉग की हेल्प भी करते हैं। अगर आप स्ट्रीट डॉग की हेल्प नहीं करते तो ज़रूर से हेल्प कीजिएगा, काफ़ी आपको भी अच्छा लगेगा हेल्प करके। तो दोस्तों ये जो डाइट प्लान है दोस्तों बेस्ट डाइट प्लान है। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ रिमूव करना चाहते तो रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आपके डॉग के रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप दोस्तों इसमें ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर से लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पपी एज से स्टार्ट करूंगा और एडल्ट तक जाऊंगा, मतलब आपको सारे प्रोसेस पता चलेगी कि पपी एज में क्या देना है और जैसे जैसे डॉग आपका एडल्ट हो रहा है वैसे वैसे आपको उसको क्या ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1 मंथ की। तो दोस्तों आप जैसे कि नॉर्मल स्ट्रीट डॉग होते हैं, अगर उनके उनकी मदर मिल्क उसको मिलता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जब तक उसको मदर मिल्क मिलेगा तब तक आप उसके जो है मदर के पास ही उसको रहने देना, क्योंकि अगर आप जल्दी से उसको लेके आते तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जाके हेल्थ इशू आ सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि जब तक हो सके उसका मदर मिल्क मिले तो काफ़ी अच्छा रहेगा वो पपी को। और दोस्तों उसके बाद अगर आप घर पे लेके आते हो तो दोस्तों आपको क्या कि आपको काउ मिल्क उसको देना है। ध्यान रखना बफेलो मिल्क आपको बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड पड़ता है जिसके कारण डॉग जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और अगर मिल्क की बात करें तो आप जो है स्ट्रीट डॉग को ही मिल्क दे सकते, जो आप जो एडॉप्ट करते हैं लैब्राडोर चाहे जर्मन शेपर्ड, इन डॉग को आपको मिल्क नहीं देना। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, तो आप ऊपर आई बटन में जाके चेक कर सकते। तो दोस्तों आप जो है काउ मिल्क स्ट्रीट डॉग को दे रहे तो आपको क्या करना है कि 40% जो है मिल्क होना चाहिए काउ मिल्क, और 60% आपको जो है वाटर उसमें ऐड करना है, जिसके कारण वो जल्दी से डाइजेस्ट भी कर सकता है। और दोस्तों ये रेगुलर आपको दिन में कम से कम 4 या 5 टाइम देना है। आप बॉटल से भी दे सकते हो, या नॉर्मली अगर डॉग पी रहा है तो नॉर्मल या बाउल में भी उसे दे सकते हो। और दोस्तों इसके साथ साथ आप घर में बिस्किट वगैरह हो गए तो दोस्तों वो भी आप जो है दूध में ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है एकदम उसको बारीक करना है और जो है दूध में मिक्स कर देना है, जिसके कारण डॉग पी लेगा और उसको हेल्थ इशू भी कुछ नहीं होंगे, उसका पेट भी जल्दी से भर जाएगा और जैसा कि उसका पेट एकदम खाली खाली रहता है वैसा उसको महसूस नहीं होगा। और दोस्तों थोड़ा सा आपका पपी बड़ा होना चाहिए तभी आप जो है बिस्किट उसमें मिक्स करके डालिएगा, वरना वो डाइजेस्ट जल्दी से नहीं कर पाएगा और थोड़ी सी आगे जाके उसको प्रॉब्लम या डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो आपको काउ मिल्क देना है वो 20 से लेकर 40 ml तक आपको दिन में 4 बार देना है। और दोस्तों जैसे ही आपका पपी 1 मंथ से 3 मंथ तक हो जाए तो दोस्तों उस एज में आपको क्या करना है, जो दूध की क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी है, कि यानी आप 60% दूध दीजिएगा और 40% आपको जो है वाटर उसमें ऐड करना है। उसी के साथ साथ बिस्किट की भी क्वांटिटी आप बढ़ाइएगा। पहले अगर आप एक बिस्किट मिक्स करते थे तो अब आपके 2 या 3 बिस्किट जो है मिक्स करना है और उसका पेस्ट बनाना है और वो आप जो है पपी को दे सकते हैं। और ये आपको दिन में कम से कम 3 टाइम देना है, 50 से 70 ml के आसपास आपको जो है उसे आप दे सकते हैं। और फ्रेंड जैसे आपको पपी बड़ा हो जाए 2 मंथ का हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको जो है बॉइल्ड राइस करके उसको देने हैं, आप जो है दूध के साथ उसे दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको जो है एग भी उसको स्टार्ट करना है, और बॉयल एग दे सकते हैं आप, आधा दे सकते हैं। आपको दिन में एक बार उसको आधा बॉयल एग देना है और एक टाइम शाम को देना है, जैसे आप दिन में एक बॉयल एग पूरा उसे देना है। सुबह आप आधा दीजिएगा और शाम को आधा दीजिएगा, आप राइस के साथ दे सकते हैं जैसे कि आसानी से जो है खा सकेगा, या फिर अगर आप ऐसे ही देता है ऐसे ही आपको पपी खाता है तो आप ऐसे भी उसे दे सकते हैं। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ बचा उचा खाना उसको अभी नहीं देना आपको, नहीं तो उसके डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है और वो बीमार पड़ सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 3 मंथ्स के बाद आपको क्या क्या देना है। तो जैसे दोस्तों इसकी एज जो है बढ़ती रहती है तो आपको क्या करना है, जो दूध की क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी है, कि यानी 50% आप दूध देना है और 50% जो उसमें वाटर ऐड कर देना है। उसी के साथ साथ आप जो है उसके अंदर रोटी वगैरह डाल सकते हैं। रोटी आपको दोस्तों आधी एक ऐसा देना है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी यानी वो 4 मंथ का 5 मंथ का होता है, इस हिसाब से आपको रोटी भी एक्स्ट्रा ऐड करते जानी है, जैसे कभी कभार 2 कभी कभार 3, जैसे उसकी भूख है उस हिसाब से आप उसे दे सकते हैं। और दोस्तों ये आप 2 या 3 टाइम दे सकते हैं, जैसे कि 100 ग्राम 200 ग्राम, जैसे आपके डॉग की भूख होगी उस हिसाब से। उसी के साथ जैसे जैसे आपकी डॉग की एज बढ़ती जा रही है आप जो है उसको बॉयल राइस भी आपको स्टार्ट कर देना है का, उसके साथ साथ बटर मिल्क छाछ दही ये भी आपको उसको देना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका डाइजेस्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप दही बचपन से भी देते हो तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा है डॉग के लिए। और जो बटर मिल्क यानी जो बोलते छाछ बोलते वो भी आप दोस्तों उसको चालू कर सकते देने के लिए। और दोस्तों जैसा पप्पी आपका एज ज़्यादा हो रही है जैसे कि 4 मंथ 5 मंथ या 6 मंथ,
तो आपको थोड़ा सा उसका घर का खाना भी ऐड कर देना है। उसी के साथ साथ आप वेजिटेबल्स भी दीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको उसको खट्टी चीज़ बिल्कुल ही नहीं देनी है, जिसके कारण वो बीमार पड़ सकता है। तो फ्रूट्स भी आप दे सकते हैं, और साथ साथ आप दोस्तों वैक्सीनेशन करा देते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग आप ज़रूर कराएं, जिसके कारण स्ट्रीट डॉग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी जल्दी से। अगर आप जो है वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करा दे तो ये बहुत ही अच्छा है स्ट्रीट डॉग के लिए। जैसे कि आप नॉर्मल लैब्राडॉग, जर्मन शेफर्ड, ऐसे डॉग की जो है वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है, वैसे अगर आप जो है स्ट्रीट डॉग की करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके डॉग को बहुत बेनिफिट होगा। तो ज़रूर से आप जो है उसकी डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन ज़रूर कंप्लीट कराएं। तो दोस्तों, जैसे आपका पपी एडल्ट हो जाता है, यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 8-9 महीने का हो जाता है, फिर उससे ज़्यादा, तो दोस्तों आपको जो घर में अगर आप नॉनवेज वगैरह लाते हो तो उसे बॉईल करके आप दे सकते हो, और बॉईल किया हुआ जो पानी आता है जो चिकन का, वो आप दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसी के साथ साथ घर का खाना आपको स्टार्ट कर देना है, जैसे कि दाल हो गई, या फिर रोटी वगैरह हो गई, या फिर कभी कभार दाल खिचड़ी हो गई, ऐसा आप दे सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, तीखी चीज़ कुछ मत दीजिएगा, मसाले वाले कोई भी चीज़ उसे नहीं देना। आप घर का जो नॉर्मल खाना होता है, फीका खाना होता है, जैसे आप चावल वगैरह होगा, दाल वगैरह हो गई, तो आप दे सकते हो तो बढ़िया रहेगा। रोटी वगैरह दी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप उसे जो है थोड़ा सा मिक्स करके देंगे, उसका जो छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्स करके उसको क्रश करके आप उसे देते तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और जल्दी से खा भी लेगा, डाइजेस्ट भी अच्छे से होगा। और दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर आप जो है बॉयल्ड एग उसको स्टार्ट करते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस मैच में काफ़ी उसके मसल और जो शरीर काफ़ी स्ट्रांग बनेगा। उसी के साथ साथ छाछ के साथ भी आप रोटी दे सकते हैं, दही के साथ भी दे सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप रोटी अगर दे रहे हो दाल छाछ के साथ तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप डॉग फूड स्टार्ट करते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो स्टार्टर फूड आता है वो पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं पपी एज में। जैसे कि आपका पपी अगर 3 मंथ के बाद ही आप जो इसे पपी स्टार्टर फूड स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप कोई भी फूड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और उसका रिजल्ट भी जल्दी से अच्छा मिलेगा। और आपका डॉग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका डॉग अच्छे से वो फूड जो है खा सकेगा, अगर अच्छे से खा रहा तो भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो एडल्ट एज में भी आप जो है एडल्ट वाला फूड, डॉग फूड आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो आता है जो मीडियम साइज़ के डॉग के लिए आता है, वो भी आप जो है फूड उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ जो आप नॉर्मल खाना भी उसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि दही छाछ रोटी वगैरह आप नॉर्मल जो घर में बनता है वो भी आप उसे दे सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप नॉनवेज अगर स्टार्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बॉयल्ड एग भी अगर देते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस बात का ध्यान रखना कि दोस्तों ज़्यादा कच्चा उसको मीट वगैरह नहीं देना, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, ये था स्ट्रीट डॉग के बारे में कुछ नॉर्मल डाइट प्लान। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस डाइट प्लान में कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे आपकी डॉग की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों, जितना हो सके स्ट्रीट डॉग से हेल्प कीजिएगा। आपके आस पड़ोस में जो भी स्ट्रीट डॉग है उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, आपको भी अच्छा लगे, तो ज़रूर से हेल्प कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।